प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाल्मीकि नगर में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के सभी बड़े नेताओं के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर मोदी दिल से हंसने लगे। ऐसा कम ही मौका होता है जब आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हंसते हुए देखा होगा, लेकिन आज मंच पर नीतीश कुमार के साथ खिलखिलाकर हंस रहे प्रधानमंत्री मोदी। दरअसल नीतीश कुमार ने अपने भाषण में ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर आप भी हंसने लगेंगे, तो भला पीएम मोदी क्यों न हंसते। एक अपील और करेंगे हम अपने बहनों से कि सवेरे तो वोट डाल के आइए, तब खाना बनाइए खाइए, और घर के मर्द लोग आपके हिसाब से वोट डाल करके आवे, उनको तो आप प्रेम से भर पेट खिलाइए, लेकिन जो आपकी बात को नहीं माने उनको दिन भर का उपवास करा दीजिएगा। यही हमारा आप सब लोगों से, बहनों से यही अपील। नीतीश कुमार ने जैसे ही भाषण खत्म किया तो पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी और दोनों एक बात पर एक अच्छे दोस्त की तरह हंसते हुए भी दिखे। नीतीश कुमार ने इस मंच से लालू यादव, आरजेडी और महागठबंधन पर भी निशाना साधा। लालटेन का सहारा लेना पड़ता था, डिबरी का सहारा लेना पड़ता था, अब घर घर बिजली हम लोगों ने पहुंचा दिया, अब लोग बल्ब जलाते हैं, लालटेन की जरूरत बिहार में खत्म हो गई। बिहार के वाल्मीकि नगर में छठे चरण में चुनाव होना है। देखना है कि क्या पीएम मोदी की इस रैली का फायदा मिलता है या नहीं।